हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला का एक पारंपरिक सब्जी। ये पूरी तरह से सात्विक है, बगैर प्याज लहसुन वाली और बहुत ही स्वादिष्ट है। आलू, कटहल की आंठी और परोर की सब्जी। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू को छिल करके धोकर साफ कर लेंगे और इसके छोटे टुकड़े हमें कर लेने हैं। आंठी, ये पके हुए कटहल का बीज है। कटहल पके हुए कटहल के बीज को धो कर के धूप में दो चार दिनों के लिए इसे सुखा लें और फिर ये कई महीनों तक आराम से रहता है। इसको इस तरह से किसी चीज़ से काट लेना है और इसका ऊपर का जो छिलका है सूख गया है तो वो आराम से ऐसे निकल जाता है। और ध्यान रखना है कि जो भी आंठी हम लेंगे वो बिल्कुल इस तरह से ताज़ा होना चाहिए। ऊपर से लाल जैसा दिखेगा और अंदर से सफ़ेद, यानी ये ताज़ा है। थोड़ा सा भी अगर काला हो गया हो तो नहीं लेना है, वो खराब हो गया है। तो इसे काट करके छील लेंगे, पानी से धोकर इसे निकाल लेना है। और हमें चाहिए परवल, परोर इसको कहते हैं। इसे इस तरह से हल्का सा, जो ऊपर का परत है हल्का सा हरा सा, सिर्फ उसे चाकू से ऐसे सिर्फ पील करना है, छीलना नहीं है इसे। और इसको साइड से ये दोनों काट लेना है। इस तरह से सभी को फिर धो करके साफ कर लेना है और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमें काट लेने हैं। मसाले में हमें लेना है धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 2 बड़ा चम्मच, 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर, ये आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है। ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा। हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। फोरन के लिए हमें चाहिए तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग। अब हम सबसे पहले सूखे मसाले जो हैं उसको थोड़ा सा पानी डाल करके हमें एक पेस्ट बनाना है। तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इन तीनों में थोड़ा सा पानी डाल करके ही हमें एक घोल बना लेना है ताकि जब हम मसाले भुने तो ये जले नहीं। मसाला हमारा घोल कर तैयार है। तो हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो गैस हम ऑन कर लिए हैं और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ हम तेल गर्म करेंगे। तेल हम सरसों का लिए हैं। मिथिला का जो भी ट्रेडिशनल सब्जी है वो सभी सरसों के तेल में ही बनता है और सरसों के तेल में ही बनाने से आपको उसका ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम सबसे पहले इसमें भून लेंगे कटा हुआ परवल। परवल को चलाते हुए ही हल्का सा लाल होने तक इस तरह से पलटते हुए हम भून लेंगे। परवल हमारा लाल हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसमें हम भूनेंगे आलू और आंठी, दोनों को एक साथ हल्का सा लाल होने तक इसे भी भून लेंगे और चलाते रहेंगे बार बार ताकि एक साइड भी जले नहीं। आंठी और आलू हमारा भुना चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी बचे हुए तेल में हम फोरन भून लेंगे।
तेज पत्ता, लाल मिर्च, साबुत जीरा और हींग। हल्का सा इसे लाल करना है। फोरन हमारा पक चुका है तो अब इसमें हम घोलकर जो हम मसाले रखे हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को, तो वो पेस्ट हम यहाँ इसमें डाल लेंगे और उसे हल्का सा 2 मिनट करीब चलाते हुए भूनेंगे। फोरन हमारा पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा भुना हुआ सब्जी, परवल, आलू और आठी। इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से मसाले के साथ और आँच यहाँ हमें कम कर लेना है, बिल्कुल धीमी आँच पे हम इसे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भूनना है धीमी आँच पर। और अब हम यहाँ इसमें हल्दी पाउडर और नमक, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे या जितनी क्वांटिटी में आप सब्जी बना रहे हों उसके हिसाब से नमक लें। हल्दी और नमक के साथ इसे मिक्स करके धीमी आंच पर ही अभी हम 5 से 7 मिनट इसे और भूनेंगे। सब्जी हमारा भून चुका है तो यहाँ इसमें हम ग्रेवी डाल लेंगे। ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और इसे मिक्स करके अब हम आंच यहाँ तेज कर लेंगे और इसे ढक करके अच्छे से पकने देंगे, खोलने देंगे। सब्जी हमारा खोलने लगा है तो यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा आठी कटहल का बीज जो है वो पका या नहीं, क्योंकि आलू और परवल पक चुका होगा। मेन हमें चेक करना होता है कटहल का जो आंठी है वो पका या नहीं, तो इस तरह से इसे प्रेस करके देख लें, ये कट चुका है और ये पक चुका है। तो यहाँ अब हम गैस बंद कर लेंगे, चूल्हा हम बंद कर लेंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद परोसेंगे। तो सब्जी हमारा तैयार है। इस तरह से आलू, आठी और परवल का सब्जी हमारा बनके तैयार है। ये देखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। और इसे हम धनिया पत्ते से कभी गार्निश नहीं करेंगे, क्योंकि मिथिला का जो भी पारंपरिक सब्जी है उसे कभी भी धनिया पत्ते से गार्निश नहीं किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा ये टेस्ट, तो आप ज़रूर बनाएं, खाएं और मिथिला के स्वाद को जानें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।